नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाभी पर तेजाब डालने वाला आरोपी देवर पुलिस कस्टडी से फरार। न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर आरोपी देवर अंकित हुआ फरार। अवैध संबंधों के चलते देवर अंकित ने चलती बस पर भाभी पर डाला था तेजाब। आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के माती न्यायालय से हुआ फरार। उक्त जानकारी सीओ सदर संदीप सिंह ने दी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। तुम्हारा नाम क्या आगे बता, कहाँ के रहने वाले हो? मलनापुर। ये तेरा डाला कौन था? भाभी। और तेरा क्यों डाला तुमने? तुम्हें छोड़ के जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कौन लोग तुम? अच्छा, पिता क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। क्या मामला हो गया आपके साथ? कल ही हम तो बस में जा रहे थे, उसने तेजाब डाल दिया। पता नहीं कौन था, हमने देखा ही नहीं। कौन था? हमने नहीं अंकल जी देखा, बस में बैठे थे। तो क्या मामला है आप लोगों के बीच में? कुछ कुछ नहीं, हमको पता है। हमको अंकल जी कुछ नहीं पता। तो आरोपी पकड़ गया कि भाग गया? अंकित कौन है? अंकित कौन है, जानती हो अंकित को? अंकित तो एक हमारे देवर का नाम है। जब देवर का नाम है, वो पकड़ गया। थाना सिकंदरा से एक अभियुक्त गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करने के लिए लाया गया था। न्यायालय परिषद से वो अभियुक्त पुलिस कर्मियों की लापरवाही से चकमा देकर के फरार हो गया है। इस संबंध में अभियुक्त के खिलाफ थाना अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साथ ही लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।